बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर 9th क्लास। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस डिफरेंट टॉपिक अबाउट टेस्ट डेटा वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। टुडे दिस लेक्चर कंसिस्ट ऑफ टेस्ट डेटा, importance of testing, types of test data, then verification and validation. After that we discuss identification and correction of errors. We also discuss trace table, what is trace table, how trace table help us in error handling using invalid data for testing, why we use invalid data. We discuss इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, होप सो आप लोग पिछले लेक्चर्स गौर से सुन चुके होंगे। तो हम आज इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि बार बार यही बता रहा हूँ कि ये मेरे जो लेक्चर हैं ये स्पेशली आयशा साइंस एकेडमी बाजी नौरीन के स्टूडेंट्स और मेरे काबिल एहतराम सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल टीचर सर मुश्ताक अहमद साहब के स्कूल टीडीयू स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब इसको यूट्यूब पे अपलोड करने का मकसद कि जब ये लेक्चर बन गए दो इंस्टीट्यूट्स के लिए तो क्यों ना सबका ही फ़ायदा हो जाए जो स्टूडेंट्स इनको सुनना चाहते हैं। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टेस्ट डेटा, हम टेस्टिंग क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ऊपर आते हैं, फिर आ जाते हैं कि हमारे पास टेस्ट डेटा क्यों होता है, टेस्टिंग क्या होती है। जब हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं उसका सलूशन निकाल लेते हैं, अब उस सलूशन को हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है या नहीं है, तो उस वक्त तक वो यूज़ेबल नहीं होगी, वो हमारा सलूशन फिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोग इंडिया की काफ़ी सारी बातें सुनते होंगे कि इंडिया ने जी फलां मिसाइल बना दिया, लेकिन बेचारों का अक्सर यही होता है कि टेस्टिंग फेज़ में उनके अपने ऊपर ही गिर गया, ठीक है, उसका टेस्ट फेल हो गया। अगर वो यही काम करें कि वो अपना एक मिसाइल बना लें और उसको टेस्ट किए बगैर ही, ठीक है, किसी दुश्मन के ऊपर या किसी और मुल्क के ऊपर गिराने के लिए उसको डायरेक्टली अगर अप्लाई कर दें और उसको टेस्ट ना करें, तो मेरे ख्याल में वो अपने मुल्क का ही नुकसान कर बैठेंगे, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। प्रॉब्लम और इसके बाद प्रॉपर टेस्टिंग ना होना मे बी क्रिएट लार्जर प्रॉब्लम। मकसद इसका क्या है कि हम एक प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं, हमने उसका सलूशन बना लिया बट उसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन उसको अप्लाई कर दिया डायरेक्टली, और जब हमने उसको अप्लाई किया तो हो सकता है कि वो हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम से हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा हो, हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस हो। तो जब हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होगा वो, ठीक है, कैसे डेंजरस होगा, मैं अभी आप लोगों को काफ़ी सारे एग्जांपल हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो इसलिए मेरे बच्चे, अगर हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो जब तक हम उसको प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे, टेस्ट करने के बाद उसको वो टेस्टिंग उसकी पास नहीं होगा, तो हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अब बात आती है टेस्ट डेटा क्या होता है। मेरे बच्चे, जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, सोल्यूशन हमने बना, प्रॉब्लम को सॉल्व किया और उसका कोई ना कोई हमने सोल्यूशन प्रपोज कर दिया, हमने ये चेक करना है कि वो हमारा सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। तो हम इस टेस्ट तो हमने टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, उस टेस्टिंग के लिए हमें कोई ना कोई डाटा चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल,
इफ वी वांट टू टेस्ट द एल्गोरिथम, जब हम एक एल्गोरिथम को चेक करना चाहते हैं, जैसे हमें तीन नंबर पीछे एक एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि हमने तीन वैल्यू लेनी है और उनमें से चेक करना है कि हमारा ये बड़ा कौन सा है, तो हम तीन डिफरेंट वैल्यू लेंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास n0 था, n1 था, n2 था, तो हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं n0 के लिए 5, n1 के लिए 15 और n2 के लिए 3, और उस एल्गोरिथम को चेक करके देखेंगे कि वो हमारा सही रिजल्ट देता है या नहीं देता। तो जिस डाटा की बेस पर हम उसको चेक कर रहे हैं, ये जो मैंने डाटा लिया है n0 5 और n1 के लिए 15 और n2 के लिए 3, ये मेरा टेस्ट डाटा कहलाता है। जो डाटा हम टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मेरा क्या कहलाएगा, टेस्ट डाटा कहलाएगा। ठीक है, तो जहाँ हमें टेस्टिंग, वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द टेस्ट डाटा, तो हमें टेस्ट डाटा के लिए भी सोचने की ज़रूरत है कि हमारा टेस्ट डाटा किस तरह का होना चाहिए। टेस्ट डाटा की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो होप्स अभी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी हम टेस्टिंग क्यों करते हैं और टेस्ट डाटा हमारा क्या होता है। जिस जो वैल्यूज हम लेके, ठीक है, अपने सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे होते हैं हमारे, वो वैल्यूज, वो डाटा क्या कहलाता है, टेस्ट डाटा कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल अब हम इसकी पहले इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, जो मैं आप लोगों को पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा क्या इसेंशियल पॉइंट है, ये डिफेक्ट्स को, एरर वगैरह को ढूंढने के लिए। तो जो हमारे टेस्टिंग इज इसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स, जो हमारे डिफेक्ट्स हैं या एरर्स हैं, मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू सम प्रॉब्लम, कोई भी हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उस दौरान जो हमारे डिफेक्ट्स आएंगे या एरर्स आएंगे। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं और एरर्स क्या होते हैं, मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर करता जाऊँ कि हमारे पास एरर क्या होता है और डिफेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई थ्रेट होता है कि कोई एरर होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो जब वो एरर हमारे पास क्या हो जाता है, अक्कर हो जाता है, तो अटैक बन जाता है। ठीक है, हमारे पास जब वो अक्कर हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, अटैक बन जाता है। ये अटैक्स या थ्रेट हमें किसी ना किसी डिफेक्ट की वजह से होते हैं, किसी ना किसी हमारी कमजोरी की वजह से होते हैं, किसी ना किसी वल्नरेबिलिटीज की वजह से होते हैं। हमारे सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वीकनेसेस होती हैं। उस वीकनेसेस की वजह से अगर एक अटैक बार बार हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो क्या है, एरर बन जाता है। तो हमारे जो टेस्टिंग है बेसिकली वो बहुत ज़रूरी है किसके लिए, डिफेक्ट्स और एरर जो हमारे पास हैं एक सॉल्यूशन में, तो उनको ढूंढने के लिए हमारे हेल्पफुल होते हैं। अब जब हमारे पास डिफेक्ट्स या एरर्स को हम ढूंढ लेते हैं, तो साफ ज़ाहिर हम उनको क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं कि हमारे इस प्रॉब्लम को क्या हो जाए, इसको सॉल्व किया जाए। तो ये हमारे ये सॉल्व करना, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना, हमारे सॉल्यूशन को इम्प्रूव करता है, इससे हमारे सॉल्यूशन की कैपेबिलिटी बढ़ती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, हम कह सकते हैं कि हमारी रिलायबिलिटी बढ़ती है। इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड समवन एल्स यूजेस द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, उसका सॉल्यूशन दिया। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक बैंक ने हमें कहा कि जी एक कमर्शियल यूज़ के लिए हमें क्या बना के दे दो, कोई एक सॉफ्टवेयर बना के दे दो। हमने उनको फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे दिया, हमने उसको टेस्ट नहीं किया। अब फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम में ये था कि हमारे पास जब वो कोई एंट्री करते हैं, ठीक है, वो अपना डाटा एंटर करते हैं, सपोज उन्होंने कोई एक बंदा आया, वो डिपॉजिट करा के गया 10,000, ठीक है, 10,000 उसने जमा कराया, उन्होंने वो ऐड किया और वो आया 20,000 निकलवा के चला गया। ठीक है, तो अगर उनका सिस्टम करेक्ट होगा तो वो जब 20,000 निकलवाने लगेगा तो वो उसको एरर दे देगा कि भाई आपके अकाउंट में 10,000 है, 20,000 नहीं है। अगर हमने प्रॉपर टैग्स नहीं लगाए, अगर हमने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की, हो सकता है इस तरह का एरर रह जाए। अगर इस तरह का एरर रह गया तो हमारे पास वो जो प्रॉब्लम, जो सोल्यूशन जिस मकसद के लिए उन्होंने बनवाया था, उसके लिए उल्टा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इसलिए कि एक जब ये प्रॉब्लम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई उसका सोल्यूशन हमने बनाया है, तो उस सोल्यूशन को लाजमी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है, टेस्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह आपकी बुक के अंदर एक एक्टिविटी दी हुई है 1.104 की, आपने ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है।
ठीक है, ताकि आप लोगों के एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है स्कूल के अंदर कि जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका क्या करता है वो कैमरे के जरिए वो अपनी तस्वीर बनवाते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं कि आपको एक रिकॉर्ड लें उसका प्रॉपर और उसके अंदर आइडेंटिफाई करें कि वो कितना, उसको टेस्ट करें उस सिस्टम को कि वो हमारे पास कितना एक्यूरेटली वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसकी वजह से? जब हमारे पास तस्वीर की बेस पे कर रहा है तो हो सकता है कभी पहली दफ़ा उसने तस्वीर बनाई उसका हेयर स्टाइल कुछ और हो, ठीक है, उसकी शेव हो ना हो, ठीक है, मॉस्टिशी हो ना हो, तो ये हमारे पास चेंजिंग आती रहती हैं। तो हमारा कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है वो आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। ये एक आप लोगों की एक्टिविटी दी हुई है। तो ये बहरहाल अभी आप लोग क्या बता रहा था, इंपॉर्टेंस बता रहा था कि टेस्टिंग की, कि मैं आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस एक और एग्जांपल से भी बताता चलूँ कि एक आर्मी ने, ठीक है, क्या करना था उसके मिसाइल सिस्टम के अंदर 0.000 सेकंड का डिले आया था। मीन के बहुत माइनर सा डिले आया उसकी, एक मिसाइल सिस्टम में प्रॉब्लम आई, टाइम कंस्ट्रेंट आया, तो उसकी वजह से उसे अपने ही मुल्क में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। कि जैसे यहाँ पे आप लोगों को आपकी बुक में भी बताया हुआ है द स्पेस शटल चैलेंजर STS, ठीक है, 5-1 स्पेस फ्लाइट एंडेड इन अ ट्रेजेडी, कि उसके साथ ट्रेजेडी हुई ऑन January 28, 1986 ओनली 73 सेकेंड आफ्टर लाइफ लिफ्ट ऑफ। ठीक है, जैसे ही हो रहा उसके ठीक 73 सेकेंड बाद उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। मीन के उसकी टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जो कार डिलीवर, कार बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर को जब कार डिलीवर करती हैं तो वो प्रॉपरली उसकी टेस्टिंग के बाद ही क्या करती हैं, चेक करती हैं, उसके एयरबैग चेक किए जाते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम फंक्शनिंग है या नहीं है, तो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही क्या की जाती है, उसको हैंड ओवर की जाती है। अगर ये चेक ना की जाए हो सकती है वो एक बहुत बड़े हानिया का बायस बने। ठीक है, तो ये टेस्टिंग हमारे किसी भी सिस्टम की टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है वाई टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो आप लोग सिंपल यहाँ से ये लिख सकते हो टेस्टिंग इज इसेंशियल टू पॉइंट आउट द इफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग द फाइंडिंग सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। ठीक है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सोल्यूशन। यहाँ तक आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो या ये बता सकते हो वाई इम्पोर्टेंस आर बट, ठीक है, टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट, कि टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, जब हम अभी हमने पढ़ा टेस्ट डेटा क्या होता है कि जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं टेस्टिंग के लिए, जो वैल्यूज दे रहे होते हैं हमारा टेस्ट डेटा है, तो उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो हमने जब क्या करनी है प्रॉपरली टेस्टिंग करनी है, डेटा एक्टिविटी परफॉर्म, टेस्टिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, अपने किसका मकसद के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन, कि हमने अपने सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ई टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर डिफरेंट डेटा, तो हमें हर टाइप के जो सोल्यूशन होते हैं उसको डिफरेंट डेटा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा, समटाइम हमें क्या चाहिए होगा, वैलिड टेस्ट डेटा चाहिए होगा, इनवैलिड टेस्ट डेटा चाहिए होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मेरे प्यारे बच्चे परेशान हो गए होंगे, चले वैलिड डेटा टेस्ट डेटा तो समझ आता है, इनवैलिड टेस्ट डेटा क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री टेस्ट डेटा वैल्यूज ये क्या होती हैं, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट ये क्या होते हैं, एब्सेंट वैल्यूज क्या होती हैं। ठीक है, मेरे बच्चे परेशान नहीं होना, ये भी सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। अब वैलिड टेस्ट डेटा क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एल्गोरिथम के अंदर भी देखा और फ्लो चार्ट वाले लेक्चर के अंदर भी देखा, हमने एक प्रोग्राम बनाया, हमने कहा कि यूज़र से नंबर ऑफ डे ले, यूज़र एंटर करे 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू, 1 इंटर करे तो वो मंडे प्रिंट कर दे, 2 इंटर करे तो वो ट्यूसडे प्रिंट कर दे, 3 इंटर करे तो वेंसडे, 4 पे थर्सडे, इस तरह सो ऑन। तो मेरी जो वैल्यूज थी वो कौन सी थी, 1 से लेकर 7 तक, जो कि वैलिड वैल्यू है। अब आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मैं वैलिड वैल्यूज़ क्या कह रहा हूँ, वैलिड टेस्ट डेटा से क्या मुराद है, कि वो मेरा डेटा है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने ये टेस्ट करना, मैं 4 दे के इंटर करूँगा कि क्या मेरा प्रोग्राम थर्सडे प्रिंट करता है या नहीं करता। ये मैं आप लोगों को एंड में प्रोग्राम भी करके दिखा दूंगा, प्रोग्राम चला के दिखा दूंगा कि वैलिड टेस्ट डेटा कौन सा है, दे के दिखाऊंगा और इनवैलिड टेस्ट डेटा भी दे के दिखाऊंगा।
ठीक हो गया। तो जो मैं वैल्यू इंटर कर रहा हूँ 1 से लेकर 7 तक उस प्रोग्राम के लिए, तो मेरी वैलिड वैल्यूज हैं। वो देखे हमने चेक करनी है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो वैलिड टेस्ट डेटा क्या हुआ? इट इज द टेस्ट डेटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम, जो हमारे एल्गोरिथम की इनपुट रिक्वायर्ड है उसके अंदर आ रहा हो। जैसे मैंने आपको बताया 1 से लेकर 7 तक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज्ड टू टेक न्यूमेरिक वैल्यूज बिटवीन 1 एंड 100 एज अ इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 एंड 100 इज वैलिड टेस्ट डेटा। जैसे मैंने आपको कहा 1 और 7 के दरमियान उस प्रोग्राम के लिए, उस एल्गोरिथम के लिए, ठीक है, हमारे पास वैलिड वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, अगर कोई प्रोग्राम क्या ले रहा है 1 से लेकर 100 तक वैल्यू ले रहा है, तो 1 से 100 के दरमियान सारी वैल्यूज क्या होंगी? वैलिड वैल्यूज हैं। इसी तरह इनवैलिड क्या हुआ फिर? जैसे हमारे इसी प्रोग्राम की मैं फिर आपको एग्जांपल देता जाता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ डे की, कि अगर हम दिन के वैल्यू प्रिंट करते इंटर करते तो वो हमें प्रिंट करे। अगर मैं अब 1 से छोटी यानी 0 इंटर कर देता हूँ, जो मेरे उस एल्गोरिथम के लिए वैलिड नहीं है, या 7 से बड़ी वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि 7 तक डेज जा रहे हैं ना, उससे आगे तो नहीं है, मैंने 7 तक चेक करना है, उससे आगे अगर मैं 8 इंटर कर देता हूँ तो क्या होगा? वो मेरा इनवैलिड टेस्ट डेटा है। तो जब हम अपने सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं, वैलिड वैल्यूज भी देके चेक करते हैं और इनवैलिड वैल्यूज भी देके चेक करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि वैलिड, ये भी मैं टेस्ट डेटा की टाइप बता दूँ, पहले प्रोग्राम करा दूंगा फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसी तरह हम यही देख लेते हैं कि पहले अभी एक प्रोग्राम आप लोगों को करा के दिखा देता हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे पास क्या है, कि वैलिड टेस्ट डेटा क्या है और इनवैलिड टेस्ट डेटा क्या है। ये मेरे देखें कि ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, उसी तरह जो आप लोगों का एल्गोरिथम था, ठीक है, हमने वैल्यू इंटर करनी है और हमें डे का नेम प्रिंट कर देगा कि कौन सा दिन है। अगर 1 इंटर करूँगा तो मंडे और ट्यूजडे, इस तरह हमारे पास है। तो हमने यही चेक करना होता है मेरे बच्चे कि वैलिड टेस्ट वैल्यूज के ऊपर हमारा प्रोग्राम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और अगर हम इनवैलिड देते हैं तो तब क्या होता है? अब मैं देखें इसको टेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने 1 दिया तो क्या प्रिंट कर रहा है? ये मंडे प्रिंट कर रहा है। तो इस मीन के ये मेरी वैलिड वैल्यूज के ऊपर क्या है? एक्यूरेट है। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, ठीक हो गया। अब मैं इसको दोबारा उन्हीं वैलिड वैल्यू में से 7 तक हम कोई भी वैलिड वैल्यू है हमारी, तो मैं 6 देता हूँ, तो ये मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए? सैटरडे। तो ये सही है, वैलिड वैल्यू के ऊपर क्या कर रहा है? सही काम कर रहा है। अब मैं इनवैलिड वैल्यूज, इसके लिए वैलिड वैल्यू है 1 से लेकर 7 तक, मैं इनवैलिड वैल्यू देता हूँ इसको 8, 9, 10 कोई भी दे देता हूँ, या नेगेटिव वैल्यू दे देता हूँ, या 0 दे देता हूँ, मैं अब 9 इंटर कर देता हूँ, विच इज इनवैलिड वैल्यू। अब मेरा प्रोग्राम क्या करता है? इनवैलिड के ऊपर कोई हमें गड़बड़ तो नहीं कर देता, या हमें कोई मैसेज तो नहीं देता देता भाई आपकी वैल्यू इनवैलिड है? देखें, तो मुझे इनवैलिड वैल्यू दी जैसे मैंने, तो उसने मुझे दे दिया इंटर करेक्ट नंबर, आप नंबर ठीक इंटर करें, इसका मतलब मैंने प्रोग्राम क्या बनाया हुआ है? ठीक बनाया हुआ है। अगर इनवैलिड वैल्यू आ रही है तो वो मुझे बता रहा है कि करेक्ट वैल्यू इंटर करो। अगर मेरा प्रोग्राम इस तरह होता कि मैं इनवैलिड वैल्यू इंटर करता तब भी मुझे कुछ शो कर रहा होता मंडे ट्यूजडे, तो मैं कहता ये मेरा प्रोग्राम ठीक नहीं है। तो हमने अपने प्रोग्राम को वैलिड के ऊपर भी चेक करना होता है मेरे बच्चे, और इनवैलिड के ऊपर भी क्या करना होता है? हमने चेक करना होता है। होप्स आप लोगों को वैलिड टेस्ट डेटा और इनवैलिड टेस्ट डेटा समझ आ गया होगा कि वैलिड टेस्ट डेटा क्या है और इनवैलिड टेस्ट डेटा क्या है, ठीक है। तो इट इज़ अ डेटा दैट डज नॉट कम्प्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम, जो एक एल्गोरिथम की इनपुट रिक्वायरमेंट के अंदर नहीं आता, जैसे भी मैंने आप लोगों को इंटर करके दिखाया, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सॉल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड डेटा, तो ये भी हमें चेक करने की जरूरत है कि हमारा जो इनवैलिड डेटा के ऊपर भी हमारा एल्गोरिथम क्या कर रहा हो? सही तरह से काम कर रहा हो, हमारा प्रोग्राम सही तरह से चल रहा हो, हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही वर्क कर रहा हो, ठीक है। मेरे बच्चे परेशान तो नहीं हो रहे? चले, जीते रहें, खुश रहें, खुश खुश रहा करें मेरे बच्चे, ठीक है। वो आप लोग जितना खुश हो के सुनेंगे लेक्चर, उतना आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। चलें जी, अब आ जाते हैं हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डाटा। ये डाटा की हम टाइप देख रहे हैं, बाउंड्री वैल्यूज क्या होती हैं। देखो बाउंड्री क्या होती है, आप लोग क्रिकेट मैच तो सारे देखते हैं ना, खेलते भी होंगे, तो बाउंड्री क्या होती है? जो उस ग्राउंड की आखिरी हद होती है वो हमारी क्या कहलाती है? बाउंड्री। यानी अगर बॉल उससे बाहर जाएगी तो ठीक है, हवाओं में जाएगी उड़ती हुई तो छक्का हो जाएगा, अगर नीचे जाएगी तो फोर हो जाएगा।
तो हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री। यानी एक्सट्रीम जो उस ग्राउंड की आखिरी हद होगी, एक्सट्रीम होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। तो इसके अंदर भी हम यही देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई बाउंड्री वैल्यूज, यानी सपोज मैं कहता हूँ मैंने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस वेबसाइट के ऊपर मैं कहता हूँ कि एट अ टाइम, जैसे आप लोगों का बोर्ड का रिजल्ट आता है, ठीक है, हो सो अब आप 9th के एग्जाम देंगे, आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, तो आप लोग फौरन वेबसाइट खोलते हैं, बाइस मुल्तान या कोई भी डाटा खोलते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अपना क्या करना है कि रिजल्ट चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक हो गया। समटाइम फौरन वो वेबसाइट वो रिजल्ट आपको ओपन करके मिल जाता है, समटाइम कहता है कि लोड हो रही होती है, खोली नहीं रही होती, तो क्या वजह होती है। मैंने वेबसाइट बनाई, उसके अंदर मैंने कहा कि एट अ टाइम मेरे सिस्टम के साथ 1000 लोग लॉग इन हो सकते हैं, यानी 1000 लोग सेम टाइम के ऊपर मेरा रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बाउंड्री है 1000। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू चेक करूंगा, 1000 लोग बिठा दूंगा या 1000 कंप्यूटर से एट अ टाइम रिक्वेस्ट भेजूंगा अपने सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो एट अ टाइम 1000 लोग जब उसको चेक करेंगे तो मैं देखूंगा मेरा सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाउंड्री टेस्ट डेटा। बाउंड्री टेस्ट डेटा का मतलब है कि अगर हम दूसरे आसान अल्फाज में कहें कि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, जो हमारी बड़ी से बड़ी वैल्यूज होती हैं या छोटी से छोटी वैल्यूज होती हैं, वो दे के हम चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है या सोल्यूशन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, जैसे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वी कैन कंसिडर प्रिंसिपल अमाउंट, जो हमारी आखिरी अमाउंट होगी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, एज जीरो आर वेरी ह्यूज अमाउंट, तो हम उसको क्या देंगे अपनी आखिरी, यानी ह्यूज अमाउंट दे देंगे चेक करने के लिए, या फिर हमारे जीरो दे देंगे कि उस हमारी ये बाउंड्री वैल्यूज है, क्योंकि जीरो से छोटी नहीं हो सकती जिसके ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, या फिर हमारे पास क्या है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दे के चेक करेंगे, वो हमारी बाउंड्री वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक हो गया मेरे बच्चे। इसी तरह रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट से क्या मुराद है, ठीक है, वो भी हम दे के चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग क्या करते हो, समटाइम लॉग इन अपना आईडी कार्ड ऑनलाइन पे क्या कर रहे हो, डाटा एंटर कर रहे हो, आप लोगों ने आईडी कार्ड एंटर करते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने वहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन किया हुआ है कि जी मेरे आईडी कार्ड जो है इंटर करना है वो विदाउट डैशेस करना है, डैश के बगैर करना है। अब आप क्या करते हो कि आपको नहीं पता कि डैश के बगैर करना है या वैसे करना है, तो आप दरमियान में डैश यूज़ कर देते हो, तो रॉन्ग फॉर्मेट, आप क्या दे रहे हो, गलत फॉर्मेट का डाटा इंटर कर रहे हो, ठीक हो गया। इसी तरह अगर कहीं पे आप लोगों ने क्या करना है, सपोज न्यूमेरिक वैल्यूज इंटर करनी है, मैं कहता हूं आप लोग अपना रोल नंबर इंटर करो, वहां पे 1, 2, 3 इस तरह का रोल नंबर होना चाहिए ना, न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए, और आप लोग इंटर कर देते हो अपना नाम, तो तब क्या होगा, रॉन्ग फॉर्मेट। तो ये दे के भी हमने चेक करना है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत फॉर्मेट का डाटा इंटर कर दें तब भी हमारा सिस्टम काम कर रहा हो, ठीक है, और कोई अपने आईडी कार्ड की जगह, ठीक है, कोई और नंबर इंटर कर दे तब भी काम कर रहा हो, तो रॉन्ग फॉर्मेट हमारे पास प्रॉपर अपने सिस्टम को चेक करने की ज़रूरत है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। जैसे हमें ईमेल, हम कहते हैं कि ईमेल इंटर करो, तो उसके अंदर एट द रेट साइन आना चाहिए, एट द रेट जीमेल डॉट कॉम या इस तरह का आना चाहिए, अगर वो एट द रेट को इंटर नहीं करता तो एरर दे देना चाहिए। इट इज वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन द इंटरिंग डाटा इन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट, अगर हम गलत फॉर्मेट में देख रहे हैं तो हम अपने सिस्टम को देखेंगे हमारा सिस्टम क्या रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल गिवेन एन अल्फाबेट एज इनपुट व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यूज इज एक्सपेक्टेड, कि जब हमने सिस्टम के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करनी है और वो हमें अल्फाबेटिक दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया रोल नंबर की जगह नेम इंटर कर रहे हैं। इसी तरह एब्सेंट डाटा से क्या मुराद है, अब देखें हमारे जो आईडी कार्ड है उसके कोई ना कोई डिजिट होते हैं, ठीक है, हमारे आईडी कार्ड के क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। अब हमें पता है कितने डिजिट होते हैं, ठीक है, हमारे कितने डिजिट होते हैं, अगर हमने वो डिजिट जो है ना अपने आईडी कार्ड के कोई कम इंटर कर देता है तब क्या होगा, इनकी हमारी वैल्यू एब्सेंट है ना, तो अगर हमारे पास आईडी कार्ड के डिजिट क्या करता है हमारे कोई कम इंटर कर देता है, ठीक है, तब क्या होगा,
कि 13 डिजिट इंटर कर देता है, कोई 15 डिजिट इंटर कर देता है, ज़्यादा इंटर कर देता है, 12 डिजिट इंटर, हमारे पास 10 डिजिट इंटर कर देता है, तब क्या होगा? एबसेंट वैल्यू. इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट दैट सोल्यूशन स्टिल वर्क इफ लेस नंबर ऑफ इनपुट्स आर गिवन देन एक्सपेक्टेड. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे कम अगर हमें क्या दी जा रही है, कोई इनपुट्स दी जा रही हैं, तब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिस्टम आस्क फॉर एंटरिंग ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर हम कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर करो, देन एवरी वन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इन्फॉर्मेशन, अगर हर बंदा ये नहीं दे सकता, तब क्या होगा? इट इज इम्पोर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट इन दिस सिचुएशन. तो इसमें हमारे पास इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर एबसेंट है तो हमारे पास हमारा सिस्टम कैसे काम करेगा. आप लोगों को मेरे ख्याल में एबसेंट वैल्यू समझ आ गई होगी, एबसेंट डाटा समझ आ गया होगा. जब हमने ये तो हमारे पास क्या थी, डाटा की टाइप्स थी, जो हम डाटा क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा, टेस्ट डाटा की कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज, ठीक है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हमने देखा, एबसेंट वैल्यूज हमने देखी, एबसेंट डाटा देखी. अब हमें वेरिफिकेशन और वैलिडेशन. अब वेरिफिकेशन क्या है और वैलिडेशन क्या है, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी पहले एग्जांपल देता जाऊँ. हम अपनी कहानियाँ थोड़ी सी देख लेते हैं, मैं इसलिए आप लोगों को इधर उधर की कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. तो हम अब छोटी सी एक अपनी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आपकी बुक की ये रीड भी कर लेंगे, बुक में क्या एग्जाम्पल दी हुई है वेरीफिकेशन और वैलिडेशन के हवाले से. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये कहा जाता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं, ठीक है, कोई भी ऐसा क्या बना दें, प्रोग्राम बना के दिखा दें, जो क्या करे, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसका फी रिकॉर्ड, जो उसके फ़ी का रिकॉर्ड है वो मुझे निकाल के दिखा दे, वो टोटल फ़ी कैलकुलेट करके दिखा दे, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मुझे कैलकुलेट करके दे दे. अब वेरिफिकेशन क्या है, अब मैंने ये सिस्टम को चेक करना है, जब मैं एक सॉफ्टवेयर बना दूंगा, सबसे पहले उसको चेक करूंगा, क्या ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया ये फी को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है ये क्रिकेट मैच के स्कोर अपडेट कर रहा हो, ठीक है. तो सॉफ्टवेयर वही है ना कि जो हमारे फीस के लिए, फी के लिए बनाया गया है, क्या बाकी हमने प्रोग्राम जो बनाया है या सिस्टम बनाया है ये फी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया है या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है या कुछ और तो नहीं है कोई. जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये बाकी हमारे पास ये बच्चों की फ़ी जो है वो कैलकुलेट करने के लिए या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया जो हमें बच्चों की फ़ी का रिकॉर्ड निकाल के दिखाता है, चेक करता है, तो ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई कि हमारा सिस्टम क्या है, जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जिस मकसद के लिए हमने कहा था, ये उसी मकसद के लिए ही बनाया गया है. या जैसे अभी आप लोगों की एग्जाम्पल, यहाँ पर भोपाल एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कि इफ़ यू आर आस्क्ड टू गिवन अ सोल्यूशन फॉर द कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कहता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहा गया है, आपको एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा गया है कि जो क्या करे कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे बच्चे ये होता है कि एक इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है, मीन के अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि जैसे हमारे पास शराय सूद है, ठीक है, एक सूद लग रहा है एक वैल्यू के ऊपर, तो वो कैलकुलेट होगी, वो सूद जमा हो जाएगा एक वैल्यू में, फिर उसके ऊपर दोबारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं. तो हमें सॉफ्टवेयर क्या ये कहा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दें. तो हमने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया. तो हमने ये देखना है कि ये बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्लेन इंटरेस्ट के लिए हो, ठीक है. जब हम ये देख लेंगे कि हमारा क्या कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि जिस मकसद के लिए हमने कहा था उसी मकसद के लिए बनाया गया है. मेरे बच्चे, मुझे लगता है उम्मीद तो काफ़ी आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोग की मिसाल बता रही है कि समझ आ रही है, ऐसे है ना. तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं ना, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, खुश खुश रहें. तो ये हमें अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास हम आगे क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है. कि जब हम ये देख लेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ी का बताया कि अगर उसी फ़ी के लिए बनाया गया है, फ़ी कैलकुलेट करने के लिए, तो तब हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, ठीक है. इसके बाद हम जब ये देखते हैं वैलिडेशन क्या होती है. यहाँ तक तो ये बात हो गई, हमने ये देख लिया कि हमारा सॉफ्टवेयर वाकई जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है. अब वैलिडेशन क्या है,
अब हम उसे वैल्यूज दे के देखेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर रहा है, वो कैलकुलेशन ठीक कर रहा है या कैलकुलेशन ठीक नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अब कंपाउंड हमने क्या करना थी, कैलकुलेशन करनी थी, कंपाउंड रिजल्ट कैलकुलेट करना था, उसका रिजल्ट बनता है जी 100 या 200, 200 उसका क्या बनता है, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, क्या कल हमें 50 कैलकुलेट करके दे रहा हो। ठीक है, तो जब हम ये उसके रिजल्ट चेक करेंगे, पहले तो हमने ये देख लिया कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, इट्स मीन कि वो वेरीफाइएबल है, उसकी वेरिफिकेशन हो गई है। वैलिडेशन ये है कि अब वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर रहा है लेकिन वो ठीक कैलकुलेट कर रहा हो। ठीक है, ये हमें वैलिडेशन कहलाती है कि हमने ये चीज जब देखनी है कि वो ठीक कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये पता चल गया कैलकुलेट कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है, तो वेरिफिकेशन हो गई। अब हमने ये देखना है, वेरिफिकेशन के बाद हमने ये देखना है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट तो कर रहा है, वेरीफाइएबल तो है, क्या वो कंपाउंड इंटरेस्ट सही कैलकुलेट कर रहा है या गलत कैलकुलेट कर रहा है। तो हम उसे वैल्यू दे के देखेंगे, ठीक है, चेक करेंगे कि अगर वो हमारी उसकी फाइंडिंग, उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक होगा, एक्यूरेट होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये वैलिडेटेड है। तो हमने इसको क्या कर लिया, वैलिडेट कर दिया। तो वैलिडेशन मीन टेस्ट वेदर द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड टू गिव द सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, देन वैलिडेशन मीन टू नो वेदर इट इज फाइंडिंग द करेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट और नॉट, वो कंपाउंड इंटरेस्ट सही कैलकुलेट कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ अ सॉल्यूशन इज वेरीफाइड देन इट इज वैलिडेटेड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट डेटा, अगर वो वेरीफाई हो गया है तो फिर हम उसको वैलिडेट करते हैं टेस्ट डेटा के बेस पर, कोई ना कोई टेस्ट डेटा जो हम प्रीवियस उसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल है हमारे पास वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की, कहता है कि आपने पिज्जा खाने चले गए जी, पिज्जा का नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है ना। ठीक है, अभी सफर करें कोई मसला नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, अभी पिज्जा शिज़ा बंद है। ठीक है, पिज्जा शिज़ा खाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग ये ज्यूम करें कि पिज्जा खाने चले गए और आपने ऑर्डर किया कि चिकन पिज्जा होना चाहिए। ठीक है, अब साथ आपका ये भी आपकी स्टेट थी, योर रिक्वायरमेंट दैट इज, ठीक है, लेस स्पाइसी होना चाहिए और उसका टेस्ट क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इट वॉन्ट गुड टेस्ट। ठीक है, उसका टेस्ट भी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास पिज्जा आया तो आपने पहले तो ये देखना है, यू कैन ऑब्जर्व दैट इट इज चिकन पिज्जा, क्या ये चिकन पिज्जा है या नहीं है। अगर वो चिकन पिज्जा है तो वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन उसकी हो गई, तो ये क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन। अब हमें अगली बात देखने की जरूरत है, आपने कहा था कि लेस स्पाइसी होना चाहिए और उसका टेस्ट गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अब हम उसको वैलिडेट करेंगे कि उसका टेस्ट जो है वो लेस स्पाइसी है या नहीं है। चिकन पिज्जा तो हो गया, हमारी एक वेरिफिकेशन तो हो गई है। अब वैलिडेशन क्या है, हमने ये देखना है कि अगर वो लेस स्पाइसी होगा और उसका टेस्ट अच्छा होगा तो वो वैलिडेटेड होगा, तो वो हमारी वैलिडेशन। अगर ये चीज़ जब हम देख रहे होंगे कि वो स्पाइसी है या नहीं है और उसका टेस्ट अच्छा है या नहीं है, तो हम उसको वैलिडेट कर रहे होंगे। समझ आ गई? ठीक है, तो पिज़्ज़ा का नाम सुन के जो है ना, आज पिज़्ज़े का ऑर्डर नहीं कर देना, अभी थोड़ा वेट करना है। चले जी, एक और एग्जाम्पल इसी तरह की दी हुई है कि अज्यूम दैट यू आर आस्क्ड टू राइट एन एल्गोरिथम, आपको एक एल्गोरिथम लिखने के लिए कहा गया है कि वो नंबर ले यूजर से और उसे क्या करे, अरेंज करे असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। आप लोगों ने कहता है कि आप लोगों ने क्या किया, आपने वो एल्गोरिथम लिखा, आपने टीचर को जमा करा दिया। अब आपका टीचर क्या करेगा, वो उसको वैल्यू देगा और देखेगा कि ये वैल्यू उसको अरेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो देखेगा जी अरेंज कर रहा है, तो इस मिलकर वो वेरीफाइएबल है, जिस मकसद के लिए कहा गया था उसी मकसद के लिए बनाया गया। अब वो दूसरी चीज ये चेक करेगा कि उसने जो असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को अरेंज किया है वो ठीक से अरेंज किया है या नहीं किया, कहीं वैल्यू आगे पीछे तो नहीं आ रही, कोई वैल्यू स्किप तो नहीं हो रही। ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलिडेशन कहलाएगी। होप सो आप लोगों को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का फर्क बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब जब हम अपने सिस्टम को वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, अगर हमारी इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर हमारा सिस्टम
ठीक है, एल्गोरिदम जो है वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है, मीन के गलत हो जाता है, वेरिडेशन उसकी नहीं होती, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलियर। तो उसकी हमने रीज़न ढूंढनी है कि ये क्यों गलत है, क्यों फेल हो रहा है, टू करेक्ट इट, उसको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, कि हम ये ढूंढ रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि फेलियर की रीज़न क्या है, क्यों फेल हो रहा है, क्यों ये ठीक नहीं है, उसकी वजह क्या है। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, और उसको जब हम ठीक करते हैं तो इसको क्या कहलाता है, करेक्शन। ठीक है, तो इफ तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आ गई आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन की, हमने उसको क्या करना होता है, करेक्ट करना होता है। समटाइम एरर इज लॉजिकल, समटाइम ऐसा होता है कि हमारे लॉजिकल एरर होते हैं, हमारा प्रोग्राम सही चल रहा होता है लेकिन उसके रिजल्ट क्या आ रहे होते हैं, गलत आ रहे होते हैं। इट मीन दैट सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट, सोल्यूशन काम कर रहा है लेकिन हमारा रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा। अब इसकी एग्जाम्पल देखें, इसको गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग ये देखें कितने प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं और अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल को गौर से पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने रिक्रूट करना है स्टूडेंट्स को फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम, स्कूल की वॉलीबॉल टीम बनानी है। अब उसकी ज़रूरत क्या है, वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144, कहता है कि उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 144 से लेकर सेंटीमीटर से लेकर 164 सेंटीमीटर तक की जिनकी हाइट होगी ना वो सिलेक्ट होंगे। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, हमें ये ढूंढना है कि हमारे क्वालिफाइड जो स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट इसके अंदर आ रहे हैं वो कितने हैं। वी डिवेल्प द फॉलोइंग एल्गोरिथम, हमने एक एल्गोरिथम बना दिया, इस एल्गोरिथम को गौर से सुनिएगा, इसके आगे भी यूज़ है। हमने इसको स्टार्ट किया, हमने काउंट में क्या रख दिया, शुरू में जीरो, सेट काउंट इसको जीरो। अब हमने सेट ऑल हाइट्स, तो सारी वैल्यूज दे दी, हाइट की वैल्यू हमने एल्गोरिथम को सेट कर दी, जो 154 ये सारी चीज़ें आ गई। अब फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स, अब इन हाइट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक को बारी बारी चेक कर रहे हैं, मीन के पहले हमारे पास हाइट को क्या दे रहे हैं, 154 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हम चेक कर रहे हैं, इफ हाइट इज ग्रेटर देन, अगर हाइट क्या है बड़ी है इससे 144 से, एंड हाइट इज लेस देन 164, और अगर उसकी हाइट 164 से छोटी है तो इसका मतलब है काउंट में एक का इजाफा हो जाना चाहिए, वो बंदा सिलेक्टेड है। ठीक है, हमने यही कहा ना, 144 से लेकर 164 तक सिलेक्टेड अकाउंट में एक इजाफा हो जाना चाहिए। अब मेरे बच्चे इसको गौर से देखें, इस एल्गोरिथम में ये कैलकुलेट करेगा, पहला नंबर सिलेक्टेड अकाउंट में एक का इजाफा 1 हो जाएगा, दूसरा सिलेक्ट नहीं है क्योंकि 144 और 164 के दरमियान नहीं आ रहा, ये भी रिजेक्ट, दूसरा सिलेक्टेड है तो 2 हो जाएगा, तीसरा ठीक है ये हमारे पास क्या है सिलेक्टेड है तो ये भी आ जाएगा 3 हो जाएगा, चौथा ये हमारी कंडीशन के ऊपर नहीं आ रहा ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो हमने कंडीशन लगाई है ये देखो हाइट इज ग्रेटर देन 144 ठीक है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये तो अगला सिलेक्ट हो जाएगा, उससे आगे सिलेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5 लोग सिलेक्ट होंगे। ठीक है, कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, 5 लोग होने कितने चाहिए थे, ऊपर देखें उसने कहा बिटवीन 144 एंड 164, इट्स मीन 144 भी इंक्लूडेड है और 164 भी इंक्लूडेड है। हमें जो कंडीशन लगानी चाहिए थी, यहाँ देखें हमारा ये प्रोग्राम सही काम कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, काउंट कर रहा है, लेकिन गलत काउंट कर रहा है, 6 होने चाहिए थे वो 5 कैलकुलेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने कहा था ये 144 भी तो काउंट होना चाहिए ना यहाँ, लेकिन यहाँ इस कंडीशन जो हमने लगाई है हाइट इज ग्रेटर देन 144, हमने यहाँ लगाना चाहिए था हाइट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 144। अगर हमने ये इक्वल टू नहीं लगाया तो हमारी ये लॉजिकल एरर है, प्रोग्राम तो सही चल रहा है लेकिन हमने अपनी लॉजिक गलत इंप्लीमेंट किया, वो 144 को स्किप कर रहा है, जब वो 144 को स्किप कर रहा है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, अल्टीमेटली गलत आ रहा है, जब रिजल्ट गलत आ रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास हमारा प्रोग्राम की लॉजिक ठीक नहीं है। ठीक है, वैलिडेशन नहीं है, तो हमारे पास ये वैलिडेट नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ हमें इक्वल का साइन लगाने की ज़रूरत है। तो होप सो आप लोगों को ये एल्गोरिथम समझ आ गया होगा, इसकी प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे ट्रेस टेबल क्या है, हम इसी का क्या बना के दिखाएंगे आप लोगों को, एक ट्रेस टेबल बना के देखेंगे। ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट द एल्गोरिथम, इसका निशान लगा लेना है, इसकी डेफिनेशन का मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ तक है। ए ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक यूज टू टेस्ट एल्गोरिथम इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट नो लॉजिकल एरर अकर व्हाइल द एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस्ड, हमने ये चीज़ चेक करनी है कि कोई लॉजिकल एरर ना आए जब हमारा एल्गोरिथम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बन सकती है जो मैंने आप लोगों को बताया, एल्गोरिथम इज बीइंग प्रोसेस्ड।
द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम. टेबल के अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और मल्टीपल रोज होती हैं. विद ईच कॉलम शोइंग द नेम्स ऑफ डाटा. हर एक कॉलम के अंदर डाटा का नाम शो हो रहा होता है. एंड ईच रो शोइंग द वैल्यूज ऑफ द डाटा. और हर रो के अंदर उसकी वैल्यूज शो हो रही होती हैं. जैसा कि अभी आप यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे यहाँ पे देखें कि इस कॉलम के अंदर हमारे पास उसका डाटा का नाम शो हो रहा है काउंट, ये काउंट की वैल्यूज हैं. और यहाँ पे ऑल हाइट्स, ये उस कॉलम का नाम भी शो हो रहा है. और यहाँ पे हाइट. तो यहाँ रो को अगर देखें तो रो वाइज देखें तो उनकी वैल्यूज हैं. जैसे यहाँ स्टेप थ्री में यहाँ पे देखें तो ये इसकी वैल्यूज हैं. ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि रोज उसकी वैल्यूज को जाहिर कर रही हैं और जो कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे नेम्स ऑफ डाटा, डाटा के नाम को शो कर रहे हैं. जैसे वहाँ पे हाइट लिखा हो तो हाइट उसका नाम है. यहाँ पे आप देखेंगे टेबल 1.3 शोज अ ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम प्रेजेंटेड इन सेक्शन 1.6. यानी ये जो ऊपर हम एल्गोरिथम, इसी का ट्रेस टेबल बनाया गया. ठीक हो गया. मैं यहाँ से आप लोगों को स्टेप भी करके दिखाऊंगा, वहां पे आप लोगों को वैल्यूज भी मिल जाएंगे. ठीक हो गया. तो यहाँ पे स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है, हैज नो इफेक्ट ऑन द डाटा. डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. देखें स्टार्ट, स्टेप 1 में क्या है, स्टार्ट है. तो डाटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है. तो स्टार्ट स्टेप 1 में हमने खाली डैश डैश शो कर रही है कि कोई इफेक्ट नहीं है, हमने डाटा शो कर दिया. अब स्टेप 2 में देखें क्या हो रहा है. एल्गोरिथम में देख लें, काउंट टू जीरो, काउंट वाले को क्या मिल रहा है, जीरो. तो यहां हमारे पास काउंट वाले वेरिएबल में हमने क्या एंटर कर दिया, जीरो. और यहां हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है और यहां ऑल हाइट के ऊपर भी और हाइट के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा. तो हमने वहां पर डैश डैश लगा दिया. इसी तरह स्टेप 3 में देखें, इसी एल्गोरिथम के स्टेप 3 में देखें, सेट ऑल हाइट टू, यानी सारी हाइट्स जो ऑल हाइट्स है उसको ये वाली वैल्यू दे देनी है. तो हमने ट्रेस टेबल में यहाँ पे देखे स्टेप 3 में सारी वैल्यू दे दी. ठीक हो गया. बाकी जो काउंट है वो सेम रहा, यानी काउंट के अंदर जीरो है और ये हाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. स्टेप 4 में देखें, स्टेप 4 अगर इसी एल्गोरिथम को मैं आप लोगों को स्टेप 4 दिखाता हूँ तो स्टेप 4 में देखें कि क्या हो रहा है. फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स. तो हर हाइट के अंदर, ठीक है, हमारे पास बता रहे हर हाइट के लिए आपने ये करना है, लेकिन हाइट के ऊपर और उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा. तो हमने इसको क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया. ठीक हो गया. तो स्टेप 4 के अंदर क्या है, देयर इज नो चेंज इन बोथ काउंट एंड ऑल हाइट. ऑल हाइट और काउंट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो रही, बट द डाटा 154 इज स्टोर्ड इन हाइट. हाइट के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 154. इट इज कम्पेयर विद, ठीक है, यहाँ पे देखें कि अब हाइट फॉर ईच का मतलब है हर एक को वैल्यू मिलनी है. पहली वैल्यू क्या मिलेगी, 154. यहाँ ट्रेस टेबल में देखें मेरे बच्चे कि स्टेप 4 के अंदर काउंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं हो रही, आर हाइट में कोई तब्दीली नहीं हो रही, लेकिन हाइट को क्या मिल रहा है, 154. अब स्टेप 5 में देखें, स्टेप 5 में क्या कहता है, इसी एल्गोरिथम के स्टेप 5 में देखें, इफ हाइट, यानी उस हाइट को चेक करना है, इज ग्रेटर देन 144 एंड हाइट इज लेस देन 164. तो कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है ना, ठीक है, क्योंकि हमारी 154 है ना, 154 है ना हाइट में इस टाइम, तो ये कंडीशन ट्रू है. तो उसने क्या कहा कि काउंट को क्या कर दो, प्लस 1. तो काउंट में पहले 0 था ना, आप क्या हो गया, 1. तो आप स्टेप 5 में इस ट्रेस टेबल में देखें काउंट क्या हो गया, 1 हो गया और ऑल हाइट और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. ठीक हो गया. अब इसी एल्गोरिथम में देखेंगे क्या करना है. अब ये चेक हो गई, वापस आ जाएगा, कहां पे आएगा, हमारे स्टेप 4 में. स्टेप 4 दोबारा होगा तो हाइट को क्या मिलेगा, 140. हाइट को क्या मिल जाएगा, दूसरी वैल्यू मिलनी है ना. फॉर ईच लिखा हुआ, हर एक वैल्यू के लिए करना है ये सारे काम, ये जो नीचे दिया हुआ स्टेप 5, हर एक वैल्यू के लिए करना है. अब दूसरी वैल्यू के लिए 140. अब ट्रेस टेबल में देखें, जब 140 है ना, ठीक है, अब यहाँ स्टेप 5 के ऊपर जब आएगा, ठीक है, 140 स्टेप 4 में उसे क्या मिला, देखो काउंट में कोई तब्दीली नहीं हुई, ऑल हाइट्स जो आप लोगों को यहाँ पे अभी कर्सर नजर आ रहा है स्टेप 4 यहाँ देखिएगा, ठीक है, अभी काउंट में कोई तब्दीली नहीं हुई, ऑल हाइट में भी, और हमारे पास क्या मिला यहाँ पे जो कर्सर है, काउंट में कोई तब्दीली नहीं हुई और ऑल हाइट में क्या है हमारे पास, कोई तब्दीली नहीं हुई, 140 मिला है किसको, हाइट को. अब स्टेप 5 में चेक करेगा. ठीक हो गया. स्टेप 5 में वो क्या चेक करेगा कि हाइट इज ग्रेटर देन 144. नो, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 140 है, 144 से नीचे है, तो इस काउंट में कोई इजाफा नहीं करेगा. इसका मतलब है स्टेप 5 में काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, आप ट्रेस टेबल में देखें काउंट की वैल्यू क्या रही, 1 रही और उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और हाइट में भी. अब दोबारा स्टेप 4 के ऊपर जाएगा तो हाइट को क्या मिलेगा, 155. जब 155 तो हमारी स्टेप 5 में
जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, तो इसलिए काउंट की, क्योंकि वो 164 से क्या है हमारे पास 144 से बड़ा है और 164 से छोटा है, तो इसलिए काउंट में एक का इजाफा कर देगा। इसी तरह ये सारी क्या हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है बारी बारी स्टेप, वही एल्गोरिथम जो मैंने आपको बताया वो चलता जाएगा। तो एट द एंड स्टेप 5 में देखें काउंट में क्या आ रहा है, रिजल्ट 5 आ रहा है और होना कितना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक हो गया, तो काउंट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए था, 6 होना चाहिए था। ठीक है, आप यहाँ पे देखें स्टेप यहाँ पे दे रहे, नो चेंज बोथ 154 स्टोर हाई, इट इज कंपेयर्ड इन स्टेप 5 एंड वैल्यू इज काउंटेड अपडेटेड इफ डेटा इज इन गिवन रेंज। स्टेप 4 एंड 5 आर रिपीटेड फॉर ईच वैल्यू, हर वैल्यू के लिए क्या होगा, स्टेप 4 और स्टेप 5 हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब स्टेप 4 और स्टेप 5 रिपीट हो रहा है, एट द एंड हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 5, काउंट की वैल्यू क्या मिल रही है, 5। और हम चेक करके देख रहे हैं, वैसे हमें नजर आ रहा है कि उसके अंदर होना क्या चाहिए था, 6 होना चाहिए। इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई लॉजिकल एरर है। तो ये ट्रेस टेबल है, ट्रेस टेबल हम किस तरह बनाते हैं, हमें पता चल सकता है कि हमारी वैल्यूज और हर स्टेप में के अंदर क्या हो रहा है, कौन से स्टेप में एरर है, कौन से स्टेप में नहीं है। इसके बाद हमारे पास है कि यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग के लिए हमने इनवैलिड डाटा क्या करना है, देना है। जैसे मैं आप लोग को इनवैलिड डाटा दे के दिखा चुका हूँ पीछे, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि इनवैलिड डाटा दे के देखा जाए। जब आप लोग कंप्यूटर साइंस के कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मैं एक कंप्यूटर साइंस का छोटा सा तालिब इल्म भी रहा हूँ, स्टूडेंट भी रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस का इस टाइम यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चरर भी हूँ। तो जब हम स्टूडेंट्स का ये सिस्टम चेक कर रहे होते हैं, स्टूडेंट्स के ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाते हैं, उनके प्रोजेक्ट के लिए वाइवा लेने जाते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो हम हमेशा ही, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि हम करेक्ट डाटा दे के कभी चेक ही नहीं करते। हम उनको जब हमने चेक करना होता तो इनवैलिड डाटा दे के चेक करते हैं, इनवैलिड वैल्यू देते हैं। जब इनवैलिड वैल्यू के लिए अगर सही काम कर रहा होता है तो हमें श्योरिटी हो जाती है कि ये सही काम कर रहा होगा। ठीक है, वैलिड के लिए तो स्टूडेंट ने जो चेक किया होता है ऑलरेडी वो खुद अपने बार बार करके देखा होता है। तो हम जाते हैं, हमें जहाँ जो लगता है ना कि ये वैल्यू ये इसके ऊपर इनवैलिड हो सकता है, तो हम इनवैलिड वैल्यू दे के चेक करते हैं कि हमारा जो इसका जो सिस्टम है ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। Testing an algorithm using invalid data ensures that algorithm can gracefully handle the unexpected data input. इससे हमें क्या फायदा होता है, जब हम ये चेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमारे सिस्टम को, हमारा जो एल्गोरिदम है उसको कोई अनएक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कोई ऐसी वैल्यू मिल जाती है जो उसे जो वैलिड नहीं है, तो उसको हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता है। इफ एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स यूर एज इन नंबर ऑफ डेज, कहता है कि अगर आप एक एल्गोरिदम बनाया जिसके अंदर आपको एल्गोरिदम को चाहिए कि आप अपने एज इंटर करो नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, यानी डेज इंटर करो कितने दिन हो गए हो आप, बट यू गिव द डेट ऑफ बर्थ, आप अगर उसे डेट ऑफ बर्थ दे देते हो तो तब क्या करेगा वो एज अ इनपुट, देन एल्गोरिथम मे नॉट वर्क प्रॉपरली, हो सकता है कि हमारा एल्गोरिथम प्रॉपरली वर्क ना करे। द पर्पज ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डेटा इज टू डिटेक्ट सच सिचुएशन, उन सिचुएशन को डिटेक्ट करना है। इन दिस केस एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट, आउटपुट के ऐसे इस सूरत में हमें क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एरर मैसेज शो होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को प्रोग्राम चला के दिखाया, जब मैंने उसको कोई इनवैलिड वैल्यू दी, उसकी रेंज से हटके वैल्यू दी, तो मुझे क्या दे रहा था, इंटर करेक्ट वैल्यू, इस तरह कोई मैसेज शो करना चाहिए। तो हमने इनवैलिड वैल्यूज दे के भी क्या करना है, अपने सिस्टम को चेक करना है। मोर एवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, इस तरह की टेस्टिंग हमारे सोल्यूशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होती है। हर तरह की टेस्टिंग हमारे सोल्यूशन को की क्वालिटी को क्या कर रही होगी, इम्प्रूव कर रही होगी, बढ़ा रही होगी। तो ये हमारा चैप्टर था प्रॉब्लम सॉल्विंग का, इसके अंदर हमने सारी चीज़ें क्या की, डिस्कस की, प्रॉब्लम को डिस्कस किया, प्रॉब्लम एनालिसिस देखे, ठीक है, प्रॉब्लम के सोल्यूशन की हमने बात की, एल्गोरिथम को देखा, एल्गोरिथम के रूल्स देखे कि कैसे हमारे पास एल्गोरिथम हमने बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स को डिस्कस किया, फ्लो चार्ट के सैंपल देखे, देन टेस्ट डाटा देखा, वैलिडेशन वेरिफिकेशन की देखी, ट्रेस टेबल टेक्निक देखी कि ट्रेस टेबल टेक्निक क्या है। तो होप सो ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं आपके जो टीचर हैं, ठीक है, कोर्स इंस्ट्रक्टर हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं फिजिकली, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैप्टर का टेस्ट लें। अगर वो कुछ मुझसे टेस्ट बनाना चाहते हैं तो नो इशू, मुझसे कंटेक्ट करेंगे तो मैं उनको टेस्ट बना के भेज दूंगा। तो आप लोग अपने टेस्ट के लिए रेडी रहें, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, जीते रहें, खुश रहें और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक मत देना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और
अपने दोस्तों को नहीं बताया कि हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से सुन रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, तो उनसे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।